से एक बार फिर दिल्ली मुंबई चेंबूर में हथियार के नोक पर 20 वर्षीय महिला के साथ दरिंदगी। मुंबई में आज रात से शुरू हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने मुंबई और आसपास के इलाकों में कल और परसों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। 2024 के बाद भी उद्धव ठाकरे रहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ठाकरे सरकार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, संजय राउत का बड़ा बयान। संजय राउत ने कहा गुजरात का मुख्यमंत्री पीएम बन सकता है तो महाराष्ट्र का क्यों नहीं। शिवसेना लंबी रेस का घोड़ा है, लोग मेरे से लेते हैं घोड़ा लगाने की टिप्स। भिवंडी से हैरान करने वाला मामला आया सामने। दारू के लिए पैसे नहीं दिया तो पति ने की पत्नी की हत्या। 27 और 28 सितंबर को महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ठाणे पालघर में जारी किया रेड अलर्ट। मुंबई में रहने वाली टिकटॉक गर्ल ने लखनऊ के भाजपा नेता के भाई पर लगाया शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। लखनऊ बुलाकर करता था रेप। राष्ट्रवादी कांग्रेस के गढ़ में संजय राउत की पवार परिवार को ललकार। कहा पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में शिवसेना का मेयर बनेगा। अजीत पवार को कहो हमारी सुनो अन्यथा हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं। संजय राउत ने दिखाया अजीत पवार को गठबंधन तोड़ने का डर। मुंबई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वर्गीय अरुण जेटली चौक का किया उद्घाटन। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महापौर किशोरी पेडणेकर, सांसद गोपाल शेट्टी और विधायक अतुल भातखलकर रहे उपस्थित। मुख्यमंत्री ठाकरे ने दिल्ली में की अमित शाह से मुलाकात। नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए की 1200 करोड़ रुपयों की मांग। किरीट समैया की सीएम उद्धव ठाकरे को चुनौती। कहा सीएम ठाकरे में दम है तो मेरा कोल्हापुर दौरा रोक कर दिखाए। अक्टूबर महीने में 21 दिन बैंक रहेंगे बंद, सिर्फ 10 दिन चलेंगे बैंक के कामकाज। मलाड के भाजपा नगर सेवक राम बरोट का 74 साल की उम्र में निधन। 1999 में बने थे मुंबई के डिप्यूटी मेयर। मुंबई में आज कोरोना के 479 मामले आए सामने। 481 मरीज हुए ठीक, 5 की मौत। मुंबई में कोरोना के चलते 51 बिल्डिंग सील, 466 केस एक्टिव। कल किसानों ने बुलाया देशव्यापी भारत बंद, कांग्रेस और एनसीपी ने दिया बंद को समर्थन। मुंबई की भाईखला जेल में हुआ कोरोना विस्फोट, 6 दिन में बच्चे समेत 39 लोग हुए कोरोना संक्रमित। जल्द शुरू होंगे स्कूल, शिक्षकों के वैक्सीनेशन को दी जाएगी प्राथमिकता, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ का बयान। विद्यार्थियों को हॉल टिकट मिला नहीं इसलिए परीक्षा को आगे ढकेला गया, विजय वड़तीवार का बयान। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षाओं की तारीख का हुआ ऐलान। परीक्षा 15, 16 या 22, 23 अक्टूबर के बीच हो सकता है आयोजित, राजेश टोपे ने दी जानकारी। मुंबई में डीजल 27 पैसे बढ़कर 96.68 रुपए प्रति लीटर हुआ, वहीं पेट्रोल अब भी 107.26 रुपए प्रति लीटर। महाराष्ट्र में आज कोरोना के 3,206 मामले आए सामने, 36 लोगों ने गवाई जान। ठाणे में आज कोरोना के मामलों में आई कमी, बीते 24 घंटों में कोरोना से 49 मरीज हुए संक्रमित, एक भी मौत नहीं। पनवेल महानगर पालिका बनाएगी 6 मंजिला मुख्यालय, 280 करोड़ के निर्माण खर्च को दी जाएगी मंजूरी।